क्या हुआ है तुम्हें? मैंने आपसे कहा था ना, नुसरत आप ही और शौकत भाई एक एक करके हमको इस घर से बाहर निकाल देना चाहते हैं। क्या कह रही हो तुम? मुझे पता है तुम्हें किस बात की तकलीफ हो रही है। यही ना कि इस घर का सारा खर्चा तुम्हारा खावंद उठाता है। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारा खावन वो बाद में है, पहले हमारा भाई है। मुराद की कमाई पे हम सब बहनों का इतना ही हक है जितना तुम्हारा। जी ठीक कह रही हैं आप, आपका हक है, लेकिन बहन होने के नाते आपको भी तो अपने भाई पर पड़ी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। अगर वो ऐसे ही सबका ख्याल करता रहेगा तो शौकत भाई कब मेहनत करेंगे? वो कब सोचेंगे आपका और आपके बच्चों के फ्यूचर का? अम्मी इतरो, तुमने देखा ना, सुने ना ये क्या कह रही थी। जब से ये औरत इस घर पे आई है तुम्हारा तो मैं कहीं पराया हो गया। सारा दिन हमें मुफ्त की रोटियां तोड़ने के ताने देती रहती है। से पूछो ना क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा, किस चीज की दुश्मनी लगाई है हमसे? पूछो। क्या हो गया मन्नत, क्यों कर रही हो इस तरह? मुराद मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो सिर्फ समझा रही थी। तुम कौन होती हो समझाने वाली? उसके दूध के दांत टूट रहे हैं जो तुमने समझाना था। पहले तुम मुझे ताने दे देकर मेरी आंखों में से खून के आंसू निकलवाती रहती हो, अब तुम मेरी बेटियों के पीछे पड़ गई हो, हैं? ठीक है, भेज देती हूँ मैंने। अगर आप इन्हें भेज देंगी तो इसमें इन्हीं की ही भलाई है आंटी। मैं अभी शौकत को फोन करती हूँ, मैंने नहीं रहना यहाँ पे। शौकत ठहर जा, मैं तेरे नाल चलनी हूँ। इसीलिए तू चुप है ना, तू ये चाहता है कि हम सारी यहाँ दबा हो मर जाए। पुत्र जड़ी तू सर टुटे चित्र दरा के दो रोटियां देना ना, ओ दीदी मांग के भी खा सकनी आ। अम्मी खुदा का वास्ता ऐसी बातें मत करें। इतने इतने छोटे छोटे चिड़िया बॉडी जितने ने जब तुम्हारे अब्बू जी की वफात हो गई थी, मैंने क्या क्या मेहनत मजदूरियां करके सख्तियां काट के तुम लोगों को पाला इस दिन के लिए, इस दिन के लिए मैंने देखा था ये सारा कुछ। अम्मी देखने के लिए माफी मांगो। माफी मांगो मेरी अम्मी और बाजी से अभी और इसी वक्त। मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं की है। मैं सिर्फ तेरी खैर। ओ ओ पो 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 जी ओ की हो गया पो पो जी ओ पो पो जी खैर पो पो अम्मी
अम्मी आंख खोल। अम्मी उठे ना अम्मी। अम्मी जी। अम्मी अम्मी उठे अम्मी। और यार मुराद नबस चेक कर, नबस चल रही है? चल रही है। और आज शराफत अंकल को फोन करो ना। कुछ नहीं हुआ अम्मी को, भी होश आ जाएगा। ये दो चार छींटों से कुछ नहीं होना निकी। एक काम कर, पूरा का पूरा पानी का जग डाल दे इनके ऊपर। ये पानी से भी कुछ नहीं होना। एक काम करो, जोरदार थप्पड़ लगाओ फुप्पो जी को। यार शौकत भाई चुप कर जाए। थप्पड़ किसने मारा है? अम्मी, अम्मी जी, अम्मी, पानी से पानी। अम्मी अम्मी क्या हुआ? बेहोश हो गई। कुछ नहीं हुआ, बस ठीक है। लेटे लेटे। अम्मी फिर वही बात। मैं इसलिए आपके पास आके नहीं रुकना चाह रहा था। मैं भी दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुमने तो मुझे कहा था यू रेडी टू मूव ऑन, उस बात का क्या हुआ? मैं इस मौजू पे मज़ीद बात नहीं करना चाहता। मैं इस मौजू पे बात करना चाहती हूँ, मेरा हक है। मेरे अलावा कौन है जिसको तुम्हारी इतनी फिक्र है? मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें कोई लड़की नहीं पसंद ना तो बस ठीक है, कल से मैं तुम्हारे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दूंगी, दैट्स इट। आपी अगले 2 से 3 सालों तक शादी का कोई सीन ही नहीं है, जब तक मेरा पाकिस्तान में बिजनेस ही सेटअप हो जाता। ये बिजनेस सेटल होने का शादी से क्या ताल्लुक है? शादी से खुशी का क्या ताल्लुक है? मेरी बात सुनो तुम। मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। हाँ मन्नत, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? What? बेहोश तो होना ही था। खानदान की इज्जत, खानदान की पग गिर कर टुकड़े टुकड़े हो गई है। हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। खुदा के वास्ते शौकत भाई, आप कुछ देर तो चुप कर जाएं। आपको दिख नहीं रहा अम्मी की तबीयत कितनी खराब है? खानदान की पक्की पड़ी रहती है। वक्त मन्नत ने हमारे इकलौते भाई के मुंह पे चपेड़ मारी है, वो भी हमारी आंखों के सामने, और तुम कहती हो खामोश हो जाएं। तो बोली जाओ। पप्पो जी, ऐसा सलूक तो आपकी बेटी ने कभी मेरे साथ नहीं किया जो मन्नत ने मुराद के साथ कर दिया है। क्या अभी तक सोई रही है? जी वो उठे जी, मैंने दोबारा चला दिया। क्या किया? और क्या क्या किया तुमने? ड्राइंग कर रहे।